भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, जहां बढ़ते शहरीकरण और उसके प्रभाव से निरंतर बदलती जीवन शैली ने आधुनिक समाज के सम्मुख घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में वर्ष दर वर्ष न केवल अपशिष्ट की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ ठोस अपशिष्ट के स्वरूप में भी बदलाव नजर आ रहा है। सरल भाषा में कहें तो ठोस कचरे का अर्थ है हमारे घरों, उद्योगों, कार्यालयों, स्कूलों आदि में काम में ली जाने वाली वे कठोर वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद हम यूं ही फेंक देते हैं, जो समय के साथ ना तो गलती हैं, ना उनका भर्जन होता है। कांच, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इलाज में प्रयुक्त सिरिंज और दवाई की शीशियां आदि हजारों ऐसे उत्पाद हैं जो एक बार काम में लेने के बाद सालों साल उसी अवस्था में रहते हैं। हमारे घरों में प्रयुक्त सब्जी, फल, पौधे की पत्तियां, गोबर आदि कुछ समय बाद खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि ठोस वस्तुओं के अपशिष्ट के निपटान की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इससे वे न केवल कई एकड़ की जमीन को बंजर बनाते हैं, बल्कि जमीन और वायु में प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। हालांकि अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या ने देश को इस विषय पर नए सिरे से सोचने को मजबूर किया है। बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के साथ साथ भारत अब प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में भारत को कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, परंतु भारत में आधुनिक समय की भयानक समस्याओं में कचरा निपटान एक बड़ी वैश्विक समस्या है। खासकर शहरी जीवन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कोई बड़े प्रबंधन नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निकायों के पास उस आगलनीय कूड़े को कई किलोमीटर की भूमि पर शहर के बाहर ढेर लगाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है। यहाँ ठोस कचरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आश्रय है कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों से निकलने वाला सूखा व गीला अनुपयोगी सामान। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष लगभग 960 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। ये न केवल उत्पन्न कचरे की मात्रा है, बल्कि ये स्वास्थ्य के मुद्दों और पर्यावरणीय गिरावट की ओर भी इंगित करता है। देश में उत्पन्न होने वाले कचरे का केवल 68% एकत्र किया जाता है, जिनमें से 28% का प्रबंधन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मूल रूप से हम कचरे को उसकी प्रकृति के आधार पर 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठोस अपशिष्ट। ठोस कचरे में कठोर बनी वस्तुएं शामिल की जाती हैं, जो घरों, उद्योगों और अस्पतालों में मुख्य रूप में उपयोग में ली जाती हैं। तरल अपशिष्ट। कचरे के इस प्रकार में दूषित या गंदा जल आता है। घरों से निकलने वाला गंदा जल तथा उद्योगों से निष्कासित किया जाने वाला प्रदूषित जल इसके अंतर्गत आता है। सूखा अपशिष्ट। सूखे अपशिष्ट में वे पदार्थ या वस्तुएं आती हैं जो पूरी तरह सूखी होती हैं। उसमें द्रव की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। कोई भी कार्बन युक्त पदार्थ जो मिट्टी में दबने से गल जाता है तथा मृदा के जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल की मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। ये अधिकतर ठोस प्लास्टिक और धातु के अवशिष्ट होते हैं, जिन्हें मृदा के जीवों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप वे सालों साल उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रभाव। भारत सबसे तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन जब वॉश संकेतकों की बात आती है तो ये पिछड़ जाता है। 1.2 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ स्वच्छता को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख घटकों में एक है।
जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और उनके जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों का भी यही हाल है, जहां इलाकों में अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग ना होने के कारण ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स के अनुसार बड़े शहरों में पैदा होने वाले सभी कचरे में से 25 से 55 फीसदी ही नगरपालिका के अधिकारी इकट्ठा कर पाते हैं। इस संदर्भ में कई तरह के सराहनीय प्रयास भी किए जा रहे हैं, परंतु इस प्रकार के प्रयास अभी तक देश भर में व्यापक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने में नाकाम रहे हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आगे की राह। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य में विभिन्न सहभागियों की भागीदारी के लिए जन जागरूकता पैदा करना, कूड़े करकट का संग्रह करने, उसकी छटाई, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थानीय निकास की जरूरत के अनुसार कार्य योजना बनाना, कूड़े करकट के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए, कूड़े करकट में से संसाधनों को छांटकर निकालने पर जोर देते हुए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत क्षमता निर्माण, राज्य और जिला स्तरों पर उपयुक्त अभिशासन ढांचा खड़ा करना, शहरी स्थानीय निकायों, कूड़ा फैलाने वालों को बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपना और अनौपचारिक क्षेत्रों में कूड़ा इकट्ठा करने छांटने के काम में भागीदार बनाना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम मात्रा में कूड़े करकट को संयंत्र के माध्यम से पुनर्उपयोग अथवा खाद के रूप में बदलने हेतु लायक बनाना। इस कचरे का समुचित उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है, साथ ही बड़ी मात्रा में भूमि के अधिग्रहण को रोका जा सकता है। अपशिष्ट की उत्पन्न मात्रा को यदि एकत्र किया जाए और उसका मिली भांति उपयोग किया जाए तो प्रभावी रूप से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। आओ जन जन को हम ये समझाएं, गांव को अपने स्वच्छ बनाएं। अपना गांव है अपना काम, गांव से है हमारी पहचान। कचरे फैलाना कम करेंगे, गांव को अपने समृद्ध करेंगे।